सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन जिले के डुडगांव पहुंचकर बड़वाह विधायक सचिन बिरला की बेटी की शादी समारोह में आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर पहुंचकर बेटी सोनाली को गुलदस्ता देकर और सिर पर हाथ रखकर बधाई आशीर्वाद दिया। सोनाली की शादी सोमवार को खरगोन निवासी डॉक्टर सुदर्शन से होना है। निजी दौरे पर शादी समारोह में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मेरे लिए प्रदेश की सभी बेटियां भांजी हैं। सचिन बिरला की शादी के बारे में बताया था, कल दिल्ली जाना था, आज मणिपुर जाना है, इसलिए अभी आशीर्वाद देने आया हूँ। सोनाली और पूरे परिवार को बधाई दी। शादी समारोह में पहुंचे सीएम ने इस दौरान मीडिया से आशीर्वाद देने के अलावा कोई बात नहीं की। अपनी शादी में सीएम के शामिल होने से सोनाली भी उत्साहित नजर आई। सोनाली का कहना था, कभी नहीं सोचा था कि शादी में सीएम साहब आशीर्वाद देने आएंगे। प्लीज प्लीज सर मैडम बड़े भाग के जो आप पधारे बनकर के आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। मेहमान नहीं मैं परिवार वाला। अभी उपस्थित अतिथियों का पुनः स्वागत अभिनंदन। ले सामने सर प्लीज। थोड़ा पीछे हो जाए। और कैसा फील हो रहा है आपका आज मुख्यमंत्री जी आपके विवाह में? अच्छा फील हो रहा है, बहुत स्पेशल फील हो रहा है। सोचा था आपने कभी कि मुख्यमंत्री जी? नहीं कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसे। मैं आया हूँ लग गए शशि भाई, मेरे लिए तो हर बेटी भांजी है। कल चूंकि मेरा कार्यक्रम दिल्ली में तय है और आज मुझे अभी मणिपुर कार्यक्रम में पहुंचना है, कल आना संभव नहीं था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आके बेटी को आशीर्वाद दूं और सचिन जी से, परिवार से और अपने सब साथियों से क्षेत्र के मिलूं, इसलिए आज ही आया हूँ। सोनाली बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, वो अपने परिवार के साथ सदैव सुखी रहें, दोनों कंठपुल का नाम ऊंचा करें और अपने पारिवारिक कर्तव्यों के साथ सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू।